प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जताया आभार। राज्य सरकार ने चिकित्सा सहायता राशि को 1 लाख से किया 1.5 लाख रुपए, प्राइवेट हॉस्पिटल में 60,000 से किया 90,000 रुपए। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने चिकित्सा सहायता राशि को 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कर दिया है और प्राइवेट अस्पतालों में 60,000 से 90,000 कर दिया है, जिसकी वजह से राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने चिकित्सा सहायता राशि में जो बढ़ोतरी करी है, इससे निर्धन एवं असहाय लोगों को बहुत बड़ी सहायता मिली है। ये उनकी संवेदनशीलता बताती है। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं कि उन्होंने राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख किया है। प्राइवेट अस्पतालों में जो राशि पहले 60,000 होती थी उसको 90,000 किया है। इस घोषणा का हम लोग स्वागत करते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से मैं उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय पुरोहित जी ये बताएं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सुशासन में विभिन्न दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये की आकस्मिक सहायता को बढ़ाकर 20,000 रुपये करना और मृतकों के आश्रितों को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा का हम कांग्रेसजन स्वागत करते हैं। इससे दुर्घटना में घायल और मृत व्यक्तियों को अंतरिम राहत मिलेगी और यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा फैसला है। इससे जनता में सुसंदेश जाएगा। शिव कुमार बंसल, महासचिव अजमेर शहर जिला कांग्रेस।